स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के पार्ट फोर से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट बैक्टीरिया, जो कि इस बार हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने अबाउट टाइफी के बारे में पढ़ा था, टाइफाइड के बारे में पढ़ा था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट निमोनिया, जिसकी वजह से होता है। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, वो निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि ह्यूमन में ये बीमारी होती है। इसकी वजह से लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपके लंग्स के अंदर ना एल्वियोलाई होता है, जिसमें एयर जाती है, तो वो एल्वियोली थोड़ा फूलता है। तो जब निमोनिया होता है तो ये एल्वियोलाई क्या होता है, इन्फेक्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड, लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। निमोनिया के केस में क्या होता है, एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है। जब जहाँ पे एयर जानी चाहिए, जहाँ पे प्रॉपर आपकी ऑक्सीजन जाती है, वहाँ उसकी जगह अगर फ्लूइड भरेगा, कोई लिक्विड भरेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। सो जब ये इन्फेक्शन होता है और एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड भर जाता है, तो उसकी वजह से रेस्पिरेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। और उसके अलावा कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फीवर होना, चिल्स, ठंड लगना, कफ और हेडेक, सिर में दर्द होना और खांसी। कई सीवियर केसेस में जो लिप और फिंगर होते हैं वो ग्रे या फिर ब्लूइश भी हो सकते हैं कलर में। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोसोल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कि एक हेल्दी पर्सन है, उसको ये बीमारी कहाँ से होगी, उसके आसपास कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसने हवा में छींक दिया, हवा में खांस दिया, उसके इनफैक्ट बर्तन यूज़ करने की वजह से, जो भी उसने बर्तन यूज़ करे उससे भी ये बीमारी फैलती है। ठीक है, डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया एट्सेट्रा आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीजेज इन मैन। तो और भी बीमारियां यहाँ पे लिखी हैं कि डायसेंट्री हो गई, प्लेग हो गई, डिप्थीरिया है, ये वो डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। नेक्स्ट पार्ट में वी विल स्टडी अबाउट द वायरसेस, बट इस दो पार्ट में हमने पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा टाइफाइड किसकी वजह से होता है, एंड वी स्टडीड अबाउट निमोनिया। तो ये दो पार्ट में हम लोगों ने देखा कि पैथोजन जो कि बैक्टीरिया है यहाँ पे, उसकी वजह से कौन सी बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट फोर था बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप प्लेलिस्ट का लिंक और जो भी पार्ट अभी तक मैंने कवर करवाए हैं वो पेस्ट कर दूंगी, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे होम पेज या प्लेलिस्ट पे जाके आप 12th बायोलॉजी के अंडर अलग अलग और भी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं उनको देख सकते हैं। वरना आप जो 12th बायोलॉजी का सेक्शन है वहाँ पे भी आपको ये पार्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।